मुख्यालय पर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी महासभा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। जंतर मंतर पे इनका एक कार्यक्रम होना है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी भी हमारे बीच में है। उन्होंने लंबी बैठक की है और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को जो है अपने जो है कैसे उनको जंतर मंतर पे आंदोलन करना है इसके विषय में उन्होंने बताया है। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगा वो हमारे साथ में इस पूरी रूपरेखा को दिखाए कि यहाँ पर कितने लोग कितने काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। मैं कैमरामैन चाहूंगा कैमरा इधर घुमाए साइड में थोड़ा और यहाँ पर मैं उस तरफ मैं पहुंच रहा हूँ और आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पर आंगनबाड़ी की लगभग सैकड़ों महिलाएं जो यहाँ पर माताएं बहने यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने अपनी लंबी बैठक की है और सरकार से द्वारा जो वादा नहीं पूरा किया गया उसका आरोप इन्होंने लगाया है कि सरकार ने चुनाव से वादा किया था कि इनके मांगों को माना जाएगा कि इनके बहुत ऐसे मुद्दे थे तो आवश्यक मुद्दे थे। तो अब हम सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इसके संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम सीधे उनसे बात करते हैं गुलाब सिंह जी से। तो सर आपने बहुत समय दिया है और आपने काफी मेहनत भी किया है और आप इन महिलाओं के हक लड़ाई को आप उठा रहे हैं तो इसका आपको फीडबैक क्या है? ये अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा यानी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले आज के जरवल ब्लॉक के प्रांगण में और बहुत समय के बाद हमको मौका मिला जहां मैं आया हूं। तो यह विभाग 2 अक्टूबर 1975 से चलाया जा रहा है जो 43 वर्ष हो गए। 43 वर्षों में मात्र केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पूरे भारत में 3,000 रुपए दिया जाता है। मिनी को जो है 2,250 और सहायिकाओं को 1,500 रुपए जो कि इस भीषण महंगाई में आज अपने आंगनबाड़ी कर्मचारी अपने बच्चों का भरण पोषण और पालन पोषण भी नहीं कर सकती हैं। अर्थात जो है यह तो मनरेगा के मजदूर से भी मजदूरी कम है जो कि ये एक पोस्ट ग्रेजुएट और इनका काम सुन लीजिए काम इनका है BLO जनगणना आर्थिक जनगणना आधार कार्ड सत्यापन यहाँ तक कि राशन की दुकान पर राशन बंटवाना और यहाँ तक कि इनकी ड्यूटी जो है महत्वपूर्ण इलेक्शन में भी लगा दी जाती है जिसमें लोकसभा विधानसभा की भी ड्यूटी ये करती हैं। इतने सारे काम इनके ऊपर थोप दिया गया है जो कि पूरे भारत में उतना किसी भी विभाग के कर्मचारी आप लोग चुनाव से पूर्व सरकार ने वादा किया था तो उसमें सरकार ने क्या किया इसके हम जानना चाहेंगे। जब चुनाव जैसे केंद्र सरकार का भी होता है तो बड़े बड़े अक्षरों में जो है मीडिया में और टीवी टेलीविजन पर पट्टी आती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जो है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी बनाएंगे। लेकिन जो ही सत्ता पाते हैं हमारी इन 28 लाख कर्मचारियों को एकदम टोटल सरकार भूल जाती है जो कि अगर 2019 के लोकसभा के चुनाव में से पहले हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारियों का सम्मानजनक मानदेय नहीं बढ़ाया गया या इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया या इनका जो है कि मुख्य सेविका के सभी पदों पर 100% भर्ती नहीं की गई तो आने वाले इस 2019 के विधान लोकसभा के चुनाव में यह निश्चित असर पड़ेगा और भाजपा सरकार एक मिनट और रोकेंगे। आज आपने जो बैठक की है तो दिल्ली में आपको ये एडमिशन करने जा रहे हैं तो एक बैठक करने जा रहे हैं तो उस पे बैठक कब है आपकी कैसे क्या इसके बारे में देखिए यह बैठक जो है संसद मार्ग पर 24 सितंबर को ये ऑल इंडिया का पूरा जितने भी पूरे हमारे प्रांत में हमारे संघ के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं जैसे हरियाणा है दिल्ली है उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश है पश्चिम बंगाल है बिहार है MP है प्रांतों से लोग आएंगे और जो है यह अभी मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो जाएगा तो इनके मुख्य मुद्दा से धक्का दिया जाएगा तो यह शायद जो है इस धरने का 2018 का ये आखिरी धरना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं आंगनबाड़ी कर्मचारियों की बातों को और माननीय मेनका गांधी जी के यहाँ भी मैंने लेटर अभी भेज दिया हूँ और परमिशन भी हो गया अभी IB CBI LIU इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी लोगों ने मुझसे पत्रक के बारे में पूछा तो 13 सूत्री मांग जो है मैं पूरे दमदारी के साथ मैं जो है भारत सरकार को अवगत कराऊंगा। अगर इनको मांगों को नहीं अगर माना गया तो निश्चित है कि ये BLO की ड्यूटी करते हुए सरकार के प्रभावित कर सकती है और हो सकता है कि सरकार बेहतर। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह ने सरकार पे गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए। अगर उन्होंने वादे पूरे नहीं किए तो ये संगठन
उनके हकों को लेने के लिए, अपने हक को लेने के लिए आंदोलन तेज करेगा और सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। न्यूज प्लस इंडिया से अशोक भी छोटे जनपद बहराइच व सुधीर कुमार दीक्षित।